नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप एपेशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से संबंधित टॉपिक जारी हैं और एक सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके 10 नंबर का पार्ट दे रखा है। ये जो अभी चैप्टर देख रहे हैं मित्रों, ये साइंस की पुस्तक में है। साइंस वालों ने अवश्य पढ़ा होगा, पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी। इसका परिचय है, सूचना के जो प्रमुख साधन हैं कृत्रिम उपग्रह और संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट है, साइबर सुरक्षा क्या और क्यों, यह अध्ययन बिंदु हैं इसके। और ये आप सभी को भी पढ़ना चाहिए मित्रों। इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन हैं आ सकते हैं, इसलिए आज इस चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। देखिए क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय। अगली शताब्दी शब्दों किताबों के बिना आंखों, कानों और मन के भीतरी अंतर्द्वंद्वों की शताब्दी होगी। यानी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ आंखों से देखें, कानों से सुनें और मन के जो भीतरी अंतर्द्वंद हैं उनसे ये सारी जानकारी प्राप्त करें। जब आदमी अपने को अपने मन से नहीं किसी पर्दे की स्क्रीन से पढ़ेगा, और यह आप देख भी रहे, पर्दे की स्क्रीन से पढ़ रहे, चिंतक स्रोत ने ये कल्पनाशील शब्द इस शताब्दी में होने वाले बदलावों को देखकर कहे होंगे। हमारे आसपास के शहर, राज्य या देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें किस प्रकार से मिलती है, ये देखिए, दुनिया की जानकारी मुट्ठी में, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये संभव हो पाए। दुनिया की सारी जानकारी मुट्ठी में, और मोबाइल है ही मित्रों आपके पास में, देश विदेश की सब कुछ जानकारी आपके पास में रहती है, इसीलिए चित्र बनाया गया है, दुनिया की जानकारी मुट्ठी में। नीचे ये दे रखा, देखिए ये भी जाने, टेली प्रिंटर दिखा रखा है। क्या आप जानते हैं सैकड़ों वर्ष पूर्व संचार के किन साधनों का उपयोग किया जाता था? सैकड़ों वर्ष पूर्व अपना संदेश भेजने में कितना समय लगता था और कितनी समस्याएं आती थी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पुराने समय में राजकीय संदेशों का प्रसार बिगुल एवं ढोल बजाकर किया जाता था। यानी जो राजा के संदेश हैं उनको भेजने के लिए या आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बिगुल या ढोल बजाकर, ढोल बजाए जाते थे जोर जोर से, और आम जनता को पता चलता था कि कुछ नया संदेश आया है हमारे लिए। अनेक राजा महाराजा गुप्त संदेशों को भेजने के लिए कबूतरों, घुड़सवारों को उपयोग में लेते थे। गुप्त संदेश यानी जिनको जनता से, आम जनता से छुपाना है और जिसके लिए भेजा गया है वो ही पढ़ सके, इसके लिए वो इस्तेमाल करते थे कबूतर और घुड़सवार। सैकड़ों वर्ष पूर्व मध्य यूरोप में मशाल टेलीग्राफ द्वारा भी संदेश भेजे जाते थे। हमारे देश में डाक व्यवस्था द्वारा संदेश भेजने का क्रम 1837 में प्रारंभ किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, हमारे देश में डाक व्यवस्था द्वारा संदेश भेजने का क्रम कब आरंभ किया गया था? 1837 ईस्वी में। तो ये डेट याद रखें आप। टेलीग्राफ के पश्चात सूचना के संचरण के लिए टेली प्रिंटर एवं टेलेक्स का भी प्रचलन हुआ। वर्तमान में कंप्यूटर व इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी जगह अत्याधुनिक संचार साधनों ने ले ली है एवं इनका प्रयोग सीमित हो गया है। आजकल टेली प्रिंटर और टेलेक्स हैं, इन मशीनरी का उपयोग कम होने लगा है कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के कारण, ये सभी आपको पता है। इन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साधन क्या हैं? क्या हमें सुदूर स्थानों पर होने वाली घटनाओं की जानकारी शीघ्रता से हो जाती है या इसमें काफ़ी समय लगता है? क्या सैकड़ों वर्ष पूर्व भी घटनाओं की जानकारी इतनी ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाया करती थी? तो ये तो असंभव था मित्रों, या तो ढोल बजाकर या किसी के साथ में पत्थर भिजवा कर काफ़ी समय लगता था उसमें। लेकिन आजकल तो फटाक से आप चैट के माध्यम से चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, इनके द्वारा जानकारी शीघ्रता के साथ में प्रेषित की जा सकती है और दुनिया के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा सकते हैं। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। विश्व में विभिन्न स्थलों पर होने वाली घटनाओं की जानकारी का प्रसार होना ही सूचना का प्रसार है। विश्व में विभिन्न स्थलों पर जितने भी स्थल हैं वहाँ पर होने वाली घटनाओं की जो भी जानकारी है उसका प्रसार होना यानी उसको फैलाना आम जनता तक, वो ही क्या है? सूचना का प्रसार है। सूचना का प्रसार, या इसे यूं कहें कि
सूचना के त्वरित वैश्वीकरण का सारा श्रेय विज्ञान तकनीकी एवं उससे उत्पन्न जन संचार के माध्यमों को जाता है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। कहने का मतलब यही है मित्रों कि जो भी सूचना है उसको तेज गति से आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम क्या है, टेक्निक्स हैं, विज्ञान है और जो भी संचार जन संचार के माध्यम है उनको जाता है, और ये आप क्या कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? अभियांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सूचनाओं को दूर संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है और भेजा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसकी, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है इसमें और सूचनाओं को दूर संचार माध्यम चाहे रेडियो हो, टीवी हो, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गए मित्रों, ये याहू, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, जितने भी यहाँ आपके, इनके द्वारा संदेश को प्राप्त भी किया जाता है और भेज भी दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचार के कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? आइए इन साधनों की सूची बनाते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा मित्रों आप। ये कुछ संचार के साधन दे रखे हैं और इनके नीचे उपयोग दे रखे हैं, तो कुछ जगहों को खाली जगह छोड़ रखा है, तो इसकी जानकारी देखिए आगे पढ़ेंगे तो पूरी मिल जाएगी अपने। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त उक्त संचार के साधनों का वर्तमान समय में अत्यधिक उपयोग हो रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उक्त संचार के साधनों के बिना वर्तमान समय में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन कौन से सूचना संचार के साधन आते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखिए संचार के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, टेलीविजन है, फैक्स, टेलीफोन आदि के द्वारा संदेश विभिन्न संचार उपग्रहों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। उपग्रह पृथ्वी के बाहर स्पेस में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी से संदेशों को उपग्रह के पास में पहुंचाया जाता है, सैटेलाइट के पास में, और उपग्रह वहां से क्या करते हैं आम जनता तक उस संदेश को फैला देते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और यहां से आम जनता से जो संदेश वापस पुनः भेजे जाते हैं उनको उपग्रह फिर पृथ्वी पर भेज देते हैं, तो ये प्रोसेस चलती रहती है मित्रों। और ये संचार के साधन हैं टेलीविजन, फैक्स, टेलीफोन। अब जो सूचना के प्रमुख साधन हैं उनको देखते हैं एक एक करके, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ध्यान से पढ़ना इसको। रेडियो देखिए सर्वप्रथम, संचार का एक बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली साधन रेडियो है। यह एक ऐसा साधन है मित्रों जो अदृश्य यानी दिखाई नहीं देती, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यह मनोरंजन खेलों का आंखों देखा हाल, क्रिकेट मैच होता है मित्रों, मनोरंजन यानी मूवी है आपकी, कोई कॉमेडी की है, किसी ने कोई नृत्य किया है, तो उन खेलों का आंखों देखा हाल, समाचार सुन सकते हैं आप, संगीत कार्यक्रम है उनका आनंद आप ले सकते हैं आदि को सुनने का बहुत ही बड़ा साधन है। पुलिस की गाड़ियां, दमकल गाड़ियां, वायुयान चालक, अंतरिक्ष यात्री, जलयान चालक रेडियो द्वारा भू केंद्रों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई, इम्पोर्टेंट है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई, 1927 में। सन 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो नाम, 1927 में तो शुरुआत हुई और 1937 में इसे नाम क्या दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो। 1957 में यह आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगों की ही भांति होती हैं, इनमें केवल आवृत्ति का अंतर होता है, फ्रिक्वेंसी का अंतर होता है मित्रों, बाकी प्रकाश तरंगों की ही भांति होती हैं। आवृत्ति का अर्थ है कोई वस्तु एक सेकंड में कितनी बार कंपित होती है, एक सेकंड में कितना कंपन करती है उसको कहते हैं आवृत्ति, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, ये इसकी इकाई है हर्ट्ज। आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं मित्रों। रेडियो प्रसारण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेडियो तरंगों को तीन भागों में बांटा जाता है, एक मीडियम वेव है, एक शॉर्ट वेव है और एक अल्ट्रा शॉर्ट वेव। ये तीन तरंगे हैं जो रेडियो तरंगों के नाम से जानी जाती हैं, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, अल्ट्रा शॉर्ट वेव।
और इनको मापते हैं हर्ट्ज में, किसमें? हर्ट्ज में। और आवृत्ति की जो परिभाषा या अर्थ बोल सकते हैं, कोई वस्तु 1 सेकंड में कितनी बार कंपित होती है, वो आवृत्ति है आपकी। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं रेडियो से जुड़ी हुई। मनोरंजन है, खेलों का आंखों देखा हाल है, समाचार, संगीत, कार्यक्रम, इनको आप सुन सकते हैं रेडियो के माध्यम से। देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। शुरुआत भारत की बात करें तो 1927 में, 37 में इसको ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया, 57 में इसको आकाशवाणी के नाम से जाना गया। तो ये इतनी बातें रेडियो से जुड़ी हुई आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन। वस्तुतः टेलीफोन ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द। टेली, टेली का अर्थ है दूर और फोन का अर्थ है ध्वनि, अर्थात ध्वनि को दूर स्थान तक भेजना, यही आपका टेलीफोन है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेली का अर्थ क्या है? दूर, और फोन का अर्थ है ध्वनि। हमारे देश में टेलीफोन का प्रवेश 1882 में, 1882 में कहाँ? कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई के टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के साथ में हुआ था। और समय के साथ साथ टेलीफोन की कार्य प्रणाली में और विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 82,000 टेलीफोन कनेक्शन थे। स्वतंत्रता 1947 के समय में, जो बढ़ते बढ़ते 2015 तक लगभग 970 मिलियन तक पहुंच सके। सन 1960 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्रादुर्भाव हुआ, फलस्वरूप सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी एसटीडी, ये फुल फॉर्म है एसटीडी की, सब्सक्राइबर ट्रक या ट्रंक डायलिंग सेवा की शुरुआत पहली बार लखनऊ और कानपुर के बीच 1960 में प्रारंभ की गई। हमारे देश की बात करें मित्रों, एसटीडी की शुरुआत हुई थी 1960 में, कहाँ? लखनऊ और कानपुर के बीच में। टेलीफोन यंत्र में मुंह के सामने रखे जाने वाले हिस्से को माउथ पीस तथा कान पर लगाने वाले हिस्से को ईयर पीस कहते हैं। एक हिस्सा आपको पता ही है टेलीफोन का, जो इस प्रकार के बने हुए होते थे, लंबे वाले। आजकल तो इनका प्रचलन कम है। ये हिस्सा कान पर और ये हिस्सा यहाँ से मुख वाले भाग पर लगाया जाता था। कान पर लगाए जाने वाले हिस्से को ईयर पीस कहते थे और मुख पर लगाए जाने वाले को माउथ पीस। ध्यान में रखें इसको। माउथ पीस एक प्रेसी यानी ट्रांसमीटर का और ईयर पीस एक रिसीवर का काम करता है। प्रेसित माउथ पीस, यहाँ से जो भी संदेश है उनको भेजा जाता है, और ईयर पीस कान के पास वाले हिस्से में लगा रहता है, वहाँ से रिसीवर यानी रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है संदेशों को। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान युग में किस किस प्रकार के टेलीफोन का उपयोग किया जा रहा है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक टेलीफोन में अनेक सुधार हो चुके हैं। नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक फोन के साथ कई लोग एक ही फोन पर एक साथ बातें कर सकते हैं। इस प्रकार के टेलीफोन द्वारा बिना घर या ऑफिस छोड़े ही कई लोगों की मीटिंग व्यवस्थित की जा सकती है। इस प्रणाली को मित्रों ऑडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, यानी ऑफिस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठे हैं तो वहां पर भी आप मीटिंग ले सकते हैं और सभी से एक साथ में बातें कर सकते हैं। वर्तमान समय में नए विकसित टेलीफोन जो मुख्य रूप से प्रचलन में हैं, वे निम्नलिखित हैं: फोटोफोन, कार्डलेस टेलीफोन, सेल्युलर फोन। ये कुछ हैं मित्रों, फोन के प्रकार कह सकते हैं आप इसको। सेटेलाइट फोन वे फोन हैं जो सामान्य मोबाइल फोन के समान दिखाई देते हैं। स्मार्टफोन, ये फोन पृथ्वी के भू स्थिर कक्षाओं के चक्कर लगा रहे भू उपग्रहों से संपर्कित किए जा सकते हैं। भू उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षाओं में लगातार चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। ऐसा सामान्य मोबाइल फोन से हम नहीं कर सकते हैं। सेट फोन का उपयोग ऐसे दूर दराज इलाके में भी किया जाता है जहाँ कोई सामान्य नेटवर्क प्रदाता का कवरेज क्षेत्र ना हो। इन दोनों का उपयोग दूर दराज के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न अभियानों या प्राकृतिक त्रासदी के समय अन्य दूर संचार के साधनों के फेल हो जाने पर भी किया जा सकता है। जैसे आपातकालीन कोई त्रासदी आ गई मित्रों, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, उस समय जो आपके टावर वगैरह हैं, टावर लगा रखे हैं, वो सब डैमेज हो गए, तो उस समय सेटेलाइट फोन की आवश्यकता पड़ती है।
या कोई भारी जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर टावर वगैरह लगाए नहीं गए हैं। सेना में आमतौर पर देखा जा सकता है, सेना है देश की, उसके पास में सैटेलाइट फोन होते हैं। सैटेलाइट फोन काफी महंगे होते हैं मित्रों, जो पृथ्वी के चारों ओर भूस्थिर उपग्रह लगाए गए हैं। भूस्थिर उपग्रह लगाए गए हैं पृथ्वी के चारों ओर, चक्कर काट रहे हैं। उन उन उपग्रहों से सीधा संपर्क होता है इस सैटेलाइट फोन का। यहाँ पर टावर की आवश्यकता नहीं है। इस सैटेलाइट फोन के द्वारा उपग्रह के पास में संदेश भेजा गया और वहां से वापस प्रेषित नीचे कर दिया जाता है भूमि पर। तो ये इस प्रकार के सैटेलाइट फोन थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। सैटेलाइट फोन में और भी देखे मित्रों, जैसे एक कोई बोल रहा है सैटेलाइट फोन में, तो एक बटन होता है इसमें, उसको दबाए हुए रखते हैं और दबाने के बाद में सिर्फ वही बोल सकता है। आपने सेना के जो जवान हैं मूवी में देखा होगा कि एक बोलता है, बोलने के बाद में अपनी बात जब खत्म करता है तब बोलता है ओवर। क्या बोलता है? ओवर, यानी मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है, अब आप बोल सकते हैं। तो जिससे भी वह बात कर रहा है वह समझ जाता है, वह फिर इसकी बात इसके बाद में बात करता है, तभी एक दूसरे के पास में बात सीधे पहुंच पाती है। इसमें दोनों एक साथ में नहीं बोल सकते, तो इसलिए लगातार बोला जाता है ओवर, यानी एक ने बात कंप्लीट की तो दूसरा बोलना शुरू। और इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत भी रहती है मित्रों, अगर आप साधारण भाषा में बात करते हैं तो कोई भी इस भाषा को लीकेज हो सकती है इसमें, ये थोड़ी सी समस्या रहती है। इसलिए क्या करते हैं, जो फौजी हैं, सेना है देश की, वो कोड भाषा में बात करती है। आपने सुना होगा अल्फा बीटा, इस प्रकार से वो कोड के माध्यम से बात करते हैं, जिससे लीकेज भी हो बात तो किसी को पता नहीं चले। तो ये थोड़ा सा सैटेलाइट फोन का रहता है, बाकी आप नेटवर्क हो चाहे ना हो, लेकिन इससे बातें की जा सकती है आपातकालीन स्थिति में, और सेना के पास में हर समय ये मौजूद रहता है। तो ये सामान्य जानकारी सैटेलाइट फोन के बारे में। आगे देखते हैं, हम वर्तमान में जिन मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं वे एक प्रकार से सेलुलर फोन हैं। कौन से? सेलुलर फोन, जो मुख्यतः चार तकनीक GSM, CDMA, DAMP3S और PDCS तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। ये आप सभी ने देखा होगा, जब नेटवर्क मोड पर लगाते हैं इस फोन को तो वहाँ पर GSM, CDMA ये लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन से नेटवर्क मोड पर करना है। तो इस टेक्निक पर कार्य करते हैं मित्रों ये सेलुलर फोन। क्या आप जानते हैं सैकड़ों वर्ष पूर्व इंसान संसार के किन साधनों का उपयोग करता था, उसे अपना संदेश भेजने में कितना समय लगता था और कितनी समस्याएं आती थी? आइए जानने का प्रयास करते हैं। और इसमें दे रखा है फैक्स। फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके द्वारा ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित या मुद्रित दस्तावेजों को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक है इस प्रकार से भेजा जा सकता है जैसे प्राप्त करने वाले सिरे पर मूल प्रति की फोटोकॉपी मिल रही हो। यानी ग्राफ, चार्ट है कोई, हस्तलिखित या मुद्रित दस्तावेज है, उनको टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार से भेजा जा सकता है जैसे प्राप्त करने वाले सिरे पर मूल प्रति यानी उसकी फोटोकॉपी मिल रही हो। हूबहू प्रतिलिपि। फैक्स शब्द अंग्रेजी के फेसिमिली, अंग्रेजी के फेसिमिली शब्द से निकला है, और फेसिमिली शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें फेस का अर्थ है बनाना तथा सिमिली का अर्थ है उसी के समान, तो उसी के समान बनाया जाता है और उसको बेचा जाता है। ये फैक्स मशीन है, देख सकते हैं आप। आजकल इसका उपयोग कम हो रहा है, कारण क्या है? ईमेल भेज सकते हैं आप, चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से आप सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से, तो इसलिए इस फैक्स मशीन का उपयोग कम होने लग गया है। फैक्स प्रणाली का जो आविष्कार है 1843 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेल द्वारा किया गया था। तो याद रखें इसको, आविष्कार कब हुआ 1843 में, किसने किया? अलेक्जेंडर बेल ने। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। फैक्स प्रणाली के प्रचलन उपयोग में दिनों दिन तेजी से वृद्धि होती जा रही है। फैक्स उपयोग के क्षेत्र में निम्नलिखित कुछ सेवाएं सम्मिलित हैं, देखते हैं इनके बारे में। विज्ञापन क्षेत्र, एजेंसी व उपभोक्ता के बीच ग्राफिक से यानी चित्रों का आदान प्रदान, शेयर मार्केट और वैज्ञानिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवा के संदेश और निर्देशों का प्रेषण उनको भेजना, प्रशासनिक अभियांत्रिकी आंकड़ा, ऊर्जा उद्योग में अनेक प्रकार के दस्तावेजों का
प्रेषण, तो ये कुछ हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे शेयर मार्केट से जुड़े हुए, वैज्ञानिक सेवाओं से जुड़े हों, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हों, उनको आप प्रेषित कर सकते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न, टेलीविज़न संचार का एक ऐसा साधन है जिसमें चलते फिरते चित्र और ध्वनि दोनों ही हम तक पहुंचते हैं। इसकी सहायता से विश्व भर की घटनाओं का आंखों देखा हाल हम तक पहुंचता है। 26 जनवरी 1926 को जॉन लागी बेर्ड ने विश्व का सफल टेलीविज़न प्रेषण ब्रिटेन में करके दिखाया था। 26 जनवरी 1926 को किसने? जॉन लॉगी बेर्ड ने। हमारे देश में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविज़न की सेवा आरंभ हुई थी, तो ये भी ध्यान में रखें 1959 में। यहाँ पर मुख्य रूप से टेलीविज़न दो प्रकार के होते हैं, श्याम श्वेत यानी जो सफ़ेद आते थे, ब्लैक एंड वाइट आते थे, और अब आ गए हैं रंगीन। कार्यक्रम के प्रसारण केंद्र से ध्वनि एवं चित्र दोनों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर प्रसारित किया जाता है। ये तरंगें टेलीविज़न प्रसारण एंटीना से चारों ओर फैल जाती हैं और चलती हुई हमारे टेलीविज़न के एंटीना से टकराती हैं। टेलीविज़न एंटीना से ये तरंगें हमारे घर में लगे टेलीविज़न द्वारा फिर से ध्वनि एवं चित्रों में बदल जाती हैं। एंटीना लगा रहता था, पुराने समय की बात करें, आजकल तो LED वगैरह हैं और सब कुछ टावर के माध्यम से होने लग गया है। टेलीविज़न सेट में एक ट्यूनर परिपथ, एम्पलीफायर, डिटेक्टर परिपथ, पावर सप्लाई, पिक्चर ट्यूब एवं लाउड स्पीकर आदि अवयव होते थे, उसके भाग होते थे। ट्यूनर परिपथ है, ट्यून प्रेषित करने के लिए, एम्पलीफायर है उसकी जो ट्यून है उसमें कम ज़्यादा का प्रभाव करना, उसको तीखा करना, मोटा करना। डिटेक्टर परिपथ डिटेक्ट करने के लिए, पावर सप्लाई यानी उसमें बिजली पहुंचाने के लिए, और पिक्चर ट्यूब उस तस्वीर को आपके सामने पहुंचाने के लिए, और लाउड स्पीकर ये वॉइस को कितना पहुंचाना है। पिक्चर ट्यूब को सामान्य भाषा में पर्दा कहा जाता है, पर्दा कहा जाता है, पर्दे पर प्रकाश, पर्दे पर प्रकाश संवेदी पदार्थ के लगभग 2 लाख बिंदु होते हैं। रंगीन टेलीविज़न कैमरे में 3 इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती हैं जिनके अंदर ऐसे दर्पण लगे होते हैं जो कैमरे में आने वाले प्रकाश को 3 भागों में विभक्त करते हैं। टीवी को मैनुअल तरीके से नियंत्रित करने के साथ साथ हैं, रिमोट कंट्रोल द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। चलाते होंगे आप, जैसे रिमोट कंट्रोल है आपके हाथ में, चाहे LED हो, चाहे LCD हो, या TV हो आपका, टेलीविज़न हो, उसको आप अपने बेड पर बैठे बैठे ही चालू करते हैं, तो ये सब रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल होता है। रिमोट कंट्रोल एक छोटा सा आयताकार डिब्बा होता है जिसमें लगे बटनों को दबाने से अदृश्य तरंगे उत्पन्न होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं और टेलीविज़न द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। वर्तमान युग में अत्याधुनिक टेलीविज़न प्रचलन में आ गए हैं, जैसे फ्लैट TV, LCD TV। LCD की फुल फॉर्म याद रखें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। और एक आपके LED TV है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म है इसकी, कवर्ड TV आदि। तो ये अत्याधुनिक टेलीविज़न आ गए हैं मित्रों। प्रसारण की विकसित तकनीकों में केबल TV, DTH डायरेक्ट टू होम सेवा बहुत प्रचलित है। DTH TV प्रसारण में उस तकनीक द्वारा अनेक मल्टी चैनलों के TV कार्यक्रम एक छोटे से डिश एंटेना की सहायता से बिना किसी केबल ऑपरेटर के उपग्रह या सैटेलाइट के माध्यम से सीधे घर के अंदर TV पर देखे जा सकते हैं। इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर व्यास के डिश एंटेना का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये आपका DTH है, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम यानी सर्विस आपको मिलती है डायरेक्ट टू होम। कहाँ से? उपग्रह के माध्यम से, उपग्रह से जो भी तरंगें निकलती हैं इसे ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के द्वारा ग्रहण की जाती हैं या एंटीना के द्वारा ग्रहण की जाती हैं और आपके TV तक या रिसीवर तक पहुंचाई जाती हैं। अब इसके बाद में मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ईमेल ये सभी जानते हैं। जिस प्रकार हम डाक द्वारा अपने पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं, उसी प्रकार अब पत्र कंप्यूटर द्वारा भी भेजे जाने लगे हैं। इस प्रणाली को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का नाम दिया गया है। जिस पत्र को भेजना है उसकी सामग्री वर्ड प्रोसेसर द्वारा इसमें तैयार की जाती है। इसके बाद जिस पते पर यह पत्र भेजना है वहां तक टेलीफोन नेटवर्क द्वारा भेजा जाता है। पत्र की समस्त सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति के TV, मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। प्राप्त करने वाले व्यक्ति उसकी प्रिंट भी निकाल सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रणाली बहुत ही तीव्र है। जैसे अभी आपने ईमेल टाइप किया और प्रेषित किया, प्रेषित करते ही अगले व्यक्ति के पास में पहुंच जाता है। इससे समय और कागज दोनों की ही बचत होती है। तो यह आपको भी पता है, समय बिल्कुल लगता नहीं है इसमें और कागज की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है। यह सस्ती भी है। हमारे देश में दूर संचार विभाग के दिल्ली स्थित सी डॉट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्रों और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर आदि स्थानों पर इस प्रणाली पर उल्लेखनीय अनुसंधान एवं विकास कार्य निरंतर होता आ रहा है। ये कुछ संस्थान हैं। सी डॉट दिल्ली में दूर संचार विभाग के दिल्ली स्थित सी डॉट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्र, जिनमें एक है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। यहाँ पर मित्रों ईमेल से संबंधित विकास कार्य और अनुसंधान या रिसर्च लगातार जारी है। तो ये ईमेल है आपका। कृत्रिम उपग्रह और संचार, ये सब कुछ टॉपिक आपके जुड़े हुए हैं सूचना प्रौद्योगिकी में। अच्छे से पढ़े इनको आपने, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, दूर दराज क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं को हम टेलीविजन के माध्यम से कैसे देख या सुन पाते हैं, इसका विस्तार से अध्ययन किया पिछले पाठों में। कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से फैक्स किया गया पत्र भेजे गए दूरस्थ स्थान पर प्राप्त हो जाता है। टेलीफोन द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति से बात की जाती है तथा हमारी आवाज़ या संदेश दूरस्थ क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। किसके माध्यम से? टेलीफोन द्वारा। दूरस्थ क्षेत्र में हमसे दूर स्थित है कोई भी व्यक्ति हो तो उसके पास में आवाज़ या संदेश भेजे जा सकते हैं। अब इसमें देखें, इम्पोर्टेंट है आपके लिए कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो 1 सेकंड में हजारों शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर सकती है। 1 सेकंड में हजारों शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर सकती है कंप्यूटर। मुंह से बोलकर इतनी तीव्रता से संदेश भेजना असंभव है। किसी भी संदेश को कंप्यूटर की भाषा में बदलकर सूक्ष्म स्पंदों के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, फुल फॉर्म ध्यान में रखें, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क दूर संचार के क्षेत्र में एक अति आधुनिक तकनीक है जो कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पाई है। इस तकनीकी द्वारा एक ही तार पर आवाज, लिखित सामग्री, आंकड़ों और चित्रों को प्रेषित किया जा सकता है। ISDN में इन चारों में से किन्हीं दो को एक साथ प्रसारित किया जा सकता है। तो यह है मित्रों नेटवर्क का ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके माध्यम से आप लिखित सामग्री है, आवाज़ है अपनी, या आंकड़े हैं कोई भी, चित्र है, तो उनको प्रेषित कर सकते हैं एक साथ में किन्हीं दो को। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट, और इसके बिना तो कंप्यूटर शून्य है। इंटरनेट के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। वस्तुतः इंटरनेट विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरों के नेटवर्क को टेलीफोन लाइन की सहायता से जोड़कर बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग है, जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पलक झपकते ही पहुंच जाती हैं। और यह आप देखते भी हैं। इंटरनेट शब्द मित्रों अंग्रेजी के दो शब्दों इंटरनेशनल और नेटवर्क को संयुक्त करके बनाया गया है, जिसका अर्थ है विश्वव्यापी तंत्र या विश्वव्यापी जाल। यह एक बेतार का तंत्र है, यानी तार की आवश्यकता नहीं है इसमें, और जाल बना हुआ है तरंगों के माध्यम से। इंटरनेट पर आधारित प्रमुख सुविधाएं देखिए, ई कॉमर्स दे रखा है पहला इसमें, ई कॉमर्स। सूचना प्रौद्योगिकी से व्यापार किस प्रकार से किया जा सकता है? ई कॉमर्स ने समूचे विश्व को मंडी में बदल दिया है, जहां आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। मात्र ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट को खोल करके और उसे अपना ऑर्डर देकर आप अपनी पसंदीदा चीज प्राप्त कर सकते हैं, और आप करते भी होंगे। फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, इनकी सहायता से आप क्या करते हैं, जहाँ पर भी उत्पाद का सामान है, वहाँ पर ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी साइट को ओपन करते हैं और आप अपना संदेश उसके पास में प्रेषित करते हैं। फिर यहाँ से बैंक के द्वारा भुगतान किया जाता है, और जो भी माल है वो गोदाम में रखा हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही आपने इसके पास में संदेश भेजा, माल गोदाम में से माल परिवहन वाहन के द्वारा ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, और आप इसको पेमेंट कर देते हैं फिर बैंक के माध्यम से या स्वयं के द्वारा। तो इस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप व्यापार करते हैं। आप इनको जानते भी नहीं हैं, फिर भी इनको आप
जो भी सामान है ऑर्डर कर सकते हैं। इंटरनेट पर खरीदारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड सबसे सुलभ माध्यम है। वस्तुतः वस्तुओं या सेवाओं का इंटरनेट पर खरीदना, बेचना या विज्ञापन द्वारा उत्पादों की सूचनाएं ग्राहकों तक तो पहुंचाना ही क्या है, ई कॉमर्स है। या तो आप खरीदते हैं या फिर इसको बेचते हैं विज्ञापनों के द्वारा। तो ये सूचनाएं ग्राहकों तक तो पहुंचाना ही क्या है, ई कॉमर्स है। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब से लेकर EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेज, याद रखें फुल फॉर्म सभी की याद रखें मित्रों। ईमेल, EFT, EFT है इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर EFT, और EDI है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेज आदि उपयोगी तकनीक हैं। ये तकनीकें हैं को समाविष्ट करके व्यापारिक कार्यकलापों को संपादित करने में ई कॉमर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये ई कॉमर्स है, इसके माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। अब अगली है सूचना प्रौद्योगिकी में आपकी टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन मूलतः स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वह प्रणाली है जिसमें डॉक्टर दूर स्थित रोगियों की दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से जांच करता है तथा इलाज करता है, चाहे आप घर पर ही क्यों ना बैठे हों। यहाँ पर ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से संभव हो पाया है। घर पर बैठे हैं आपके स्वास्थ्य की जानकारी इसके माध्यम से डॉक्टर तक पहुँच जाती है और वह आपका घर बैठे ही इलाज कर देता है, या उससे जो भी बीमारी है उससे संबंधित तो आपको राय दी जा सकती है इसके माध्यम से। इस प्रणाली में मरीज तथा डॉक्टर एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा ECG, एक्सरे, कैट स्कैन, MRI आदि की तस्वीरें कंप्यूटर वीडियो फाइल खोलकर जांच सकते हैं। तो ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से संभव हो पाया। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडबैंड। सूचनाओं के संचरण की आधुनिक तकनीक जिसमें मात्र एक केबल या तार के माध्यम से कई चैनलों को एक साथ प्रसारित किया जा सकता है, ब्रॉडबैंड कहलाता है। एक केबल या तार के माध्यम से कई चैनल, उनको एक साथ में प्रसारित किया जा सकता है। और यह आप देखते भी होंगे, अपने TV है, LED है, एक केबल और उसमें अनेक चैनल प्रसारित किए जाते हैं। सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया तकनीक कई स्वरूपों में पाई जाती है, जैसे ब्लॉग लिखना, बिजनेस नेटवर्क, एंटरप्राइज सोशल नेटवर्क, फोरम, माइक्रो ब्लॉग, फोटो शेयरिंग, उत्पाद सर्विस रिव्यू, सोशल बुक मार्किंग, सोशल गेमिंग, सोशल नेटवर्क, वीडियो शेयरिंग और वर्चुअल वर्ल्ड आदि, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, पिंटरेस्ट, टम्बलर से आदि कुछ मुख्यतः प्रचलित सोशल मीडिया साइट्स हैं। ये साइट हैं फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉगर, पिंटरेस्ट, टम्बलर। सोशल मीडिया द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर विचार एवं सामग्री साझा करते हैं। व्हाट्सएप, हाइक आदि मोबाइल सोशल मीडिया मीडिया एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप है, हाइक है, तो ये मोबाइल सोशल मीडिया एप्लीकेशन है मित्र। इनके माध्यम से आप अपनी बातें हैं एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई मित्र। ई मित्र सेवा राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी ई गवर्नेंस सुविधा है जो राज्य के सभी 33 जिलों में PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नागरिकों की सुविधा हेतु पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट सेवाओं संबंधी कार्यों का संचालन एक ही छत के नीचे ई प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। जितनी भी सेवाएं हैं सरकार के द्वारा या प्राइवेट सेवाएं, उन सभी का संचालन एक साथ में ई प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है और ई मित्र वाले करते हैं। ये सेवाएं CSC, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों एवं ई मित्र कियोस्क के रूप में शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2005 से निरंतर चल रहा है। इस सेवा के माध्यम से नागरिक अपने घर के नज़दीक किसी ई मित्र कियोस्क पर जाकर बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन प्राप्ति, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, राजस्थान रोडवेज की बस पास प्राप्त करना आदि कार्य सहजताएं सुगमता से कर सकता है। तो ये कुछ सेवाएं हैं जिनका लाभ लिया जा सकता है ई मित्र के माध्यम से। चाहे बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल जमा करना हो, बोनाफाइड प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड हो, या जो भी दे रखे हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, राजस्थान रोडवेज की बस प्राप्त करना हो। नेक्स्ट देखिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं सहज समाज। तो ये टॉपिक भी दे रखा है आपके,
सूचना प्रौद्योगिकी व इंटरनेट की सीमित क्षमताओं ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने हेतु आशा की एक नई किरण पैदा की है। समाज में भ्रष्टाचार को दूर करने में सूचना प्रौद्योगिकी का निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जन वितरण प्रणाली PDS के कंप्यूटरीकरण व आपूर्ति संबंधी जानकारियों को वेब के माध्यम से सार्वजनिक बनाना। जन संबंधी प्रमुख कार्यालयों को कंप्यूटरीकरण व नेटवर्किंग करके सेवाओं में समुचित सुधार करना। भ्रष्टाचार के दूसरे प्रमुख कारण कार्य पद्धति में पारदर्शिता की कमी को ठीक करने हेतु तो सरकार ने सूचनाओं की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जन सामान्य को देने की बात कही है। इसके साथ क्रियान्वयन हेतु तो कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणालियों इंट्रानेट इंटरनेट व एक्स्ट्रानेट की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से किया जा सकता है। भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर काबू पाने, सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग करके स्वच्छ व पारदर्शी शासन देने हेतु इलेक्ट्रॉनिक शासन की बात हमारे देश की सरकार कर रही है। बैंकिंग प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश ने अभूतपूर्व परिवर्तन करके न केवल ग्राहक सेवा में सुधार किया है, अपितु वित्तीय घोटालों व भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यही है मित्रों, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कंप्यूटर है, नेटवर्क है, उससे सीधे सीधी तौर पर आम जनता से जुड़ा जा सकता है, और जो बिचौलिए हैं वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। एक तो सरकार जैसे पहले भेजती थी बिचौलियों के पास में, चाहे सरपंच हो विधायक हो, उनके पास में पैसे भेजे जाते थे और फिर यहाँ से आम जनता के पास में। लेकिन अब नेटवर्क जाल इस प्रकार का है, इंटरनेट का जमाना है, तो सीधे जनता के पास में पहुंचाए जा रहे हैं पैसों को सरकार के द्वारा। तो 1 रुपया भेजा जा रहा है तो 1 रुपया ही पहुंचता है, और पहले के समय की बात करें तो जैसे 1 रुपया भेजा जाता तो ये कितने देते, ये इन पर निर्भर करता है। तो भ्रष्टाचार तो हो रहा था मित्रों, और उसको खत्म हुआ, खत्म किया गया इसके माध्यम से, समझ रहे होंगे आप। आम जनता से संबंधित कार्यालयों जैसे आयकर, केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, जल विद्युत शहरी निकाय, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन आदि को पेपरलेस कार्यालयों में बदलकर इस प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वच्छ पारदर्शी एवं अल्प व्ययी बनाया जा सकता है। अल्प व्ययी यानी कम खर्चा, पारदर्शी यानी एकदम स्वच्छ हो, साफ हो। साइबर सुरक्षा क्या और क्यों? देखिए मित्रों, ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन जो चोरी करने वाले हैं ये इसमें भी करते हैं, तो उससे सुरक्षा रखना जरूरी है। चाहे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो भी बातचीत है, चैट है, साइबर सुरक्षा को सूचना तकनीकी की सुरक्षा भी कहा जा सकता है। यह विविध कंप्यूटर नेटवर्क महत्वपूर्ण व गोपनीय प्रोग्राम और डाटा के अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। सरकार, सेना, कॉरपोरेट जगत, वित्तीय संस्थान, हॉस्पिटल और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान कई गोपनीय सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रसंस्करण कर उन्हें अन्यत्र कंप्यूटरों में भेजते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जन सुरक्षा एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण एवं गोपनीय आंकड़ों की सुरक्षा की जाए। इसलिए साइबर युग में साइबर सुरक्षा की अति आवश्यकता है, और विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं तकनीकी के माध्यम से इन सभी गतिविधियों की सुरक्षा की जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा किया जाना, तो ये आपकी साइबर सुरक्षा है। अब देखिए आपने क्या सीखा इसमें। सर्वप्रथम आपने जाना था कि सूचना प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सूचनाओं को दूर संचार के माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं भेजा जाता है। सैकड़ों वर्ष पहले दूर संचार के साधनों के अंतर्गत कबूतरों, घुड़सवारों, ढोल एवं बिगुल बजाने आदि का प्रयोग किया जाता था। रेडियो संचार का एक बहुत ही शक्तिशाली व प्रभावशाली साधन है, जो अदृश्य विद्युत चुंब के तरंगों के रूप में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। तो ये जो भी ऊपर वाली बातें हैं पढ़ी हैं आपने, उन्हीं को शॉर्ट में दर्शाया गया है। आप देखिए कुछ प्रश्न हैं इसमें। भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? भारत में 1926 में, 27 में, 28 में या 25 में? तो यह आपने पढ़ा है, भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? 1927 में हुआ था मित्रों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान में रखें इसको।
दूसरा क्वेश्चन, हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में या बेंगलोर में? सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये देखना आपको। तो मित्रों इसमें दे रखा है कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये तीन 1882 में हुई थी इसकी टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, यहाँ पर मुंबई दे रखा है तो राइट क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में 1882 में, याद रखें इसको। और कौन कौन से थे? कोलकाता, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है, देखिए मित्रों इसमें, टेलीफोन यंत्र में मुंह के सामने रखे जाने वाले हिस्सा जो आवाज का संग्रहण कर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से सूचना का संचार करता है, क्या कहलाता है? मुंह के सामने रखे जाने वाला हिस्सा, तो उसको माउथ पीस बोलते हैं। और एक रिसीवर होता है, वो कान के पास में होता है, ईयर पीस बोलते हैं उसको। दोनों को याद में रखना है आपको। और ये कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, करना है इनको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सरल है, तो आप इनको भरने का प्रयास करना सभी को। तो ये मित्रों साइंस की बुक में दिया हुआ था पूरा टॉपिक आपके, बाकी अपना जो पॉइंट टू पॉइंट है वो भी देख लेंगे, प्रत्येक पॉइंट को आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन ये टॉपिक साइंस वाले पढ़ लें और आप रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दिया हुआ है तो कम से कम आप भी इससे संबंधित जो भी जानकारी है उसको ग्रहण करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।